बिहार विधानसभा के स्पीकर और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के बीच चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है, जिसके बाद बुधवार को स्पीकर विजय सिन्हा सदन में पहुंचे और आसन पर आए। लेकिन विपक्षी दल खासकर आरजेडी के सदस्यों ने सीएम नीतीश को सदन में बुलाने और आसन से माफी मांगने की मांग दोहराते हुए हंगामा शुरू कर दिया। प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक बोल रहे हैं आसन पर बोले, मुख्यमंत्री जी आके सफाई दे और सदन से माफी मांगे। मुख्यमंत्री, ये सदन का भी अपमान है, आसन का अपमान है। मुख्यमंत्री जी उसी में कहेंगे विमर्श। आप महोदय, विजय सिन्हा हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत कराने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले में मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और सीएम ने कहा कि उनकी भावना आसन का अपमान करने की नहीं थी। स्पीकर विजय सिन्हा ने और क्या कुछ कहा सुनिए। हम और आप यहाँ नहीं होंगे, हमारे निशा होंगे, तब नाम प्रतिष्ठा के बजाय हमारी आपकी पहचान होगी। हम जिस महान सदन के अंग हैं, वहाँ की परंपरा हमें यही कहती है, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि इसे हवा के छोटे मोटे झोंके हिला नहीं सकते। यह व्यवस्था हमें सिखाती है कि बिना घृणा के विरोध किया जा सकता है और हमें बिना हिंसा के समाज की बेहतरी हो सकती है। अतः हमें अपनी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान रखते हुए अप्रिय प्रसंगों की तरफ पीठ करते हुए आगे बढ़ना है। हम मर्यादा और कल्याण के रास्ते पर हम सबको मिलकर चलना है। अंत में आपसे श्रद्धेय अटल जी की लिखी चार पंक्तियां कहना चाहूंगा। उजियारे में, अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सतसत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसलिए आग्रह है कि आपकी भावनाओं को संसदीय कार्य मंत्री जी बोले हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं, दो शब्द बोल देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि विधायिका की शक्ति को हर हाल में मजबूती देंगे और विधायक के लोकतंत्र के मंदिर की प्रतिष्ठा गिरने नहीं देंगे। ये और मैं ये बता देता हूं कि होली का महोत्सव है, होली के मौसम पर हम लोग अपने कई बैर भाव व्यवहार को भूलकर गले मिलते हैं, यही मानकर हम आग्रह करेंगे सदन चले। होली के बाद 25 तारीख को विशेषाधिकार कमेटी की बैठक पुनः होगी और लोकतंत्र के मंदिर को, विधायिका को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा आपसे है, आप हम पर भरोसा करके सदन को चलने दें, ये आग्रह है। लेकिन स्पीकर विजय सिन्हा की अपील को विपक्षी दलों ने अनसुना करते हुए सदन में हंगामा जारी रखा और अपनी मांग पर अड़े रहे। वही हंगामा शांत नहीं होता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन 2 बजे 3 दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। सरकार की ओर से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन स्पीकर और सीएम के बीच हुई बहस के बाद सदन की कार्यवाही 2 दिनों से बाधित है और विपक्ष भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में बुधवार को भी कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी, इसकी उम्मीद कम ही है। देशवा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय सदस्य एक बार बैठ गए।